ओके, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन पार्ट टू। लास्ट सेशन में हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्विक रिवीजन स्टार्ट किया था, राइट? बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्विक रिवीजन हमने स्टार्ट जब किया था तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, चलिए जल्दी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन मतलब क्विक एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक्स पढ़ा था। बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले तो कंट्रोल होना चाहिए बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। उसके बाद मेथड कौन सा होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के लिए? मेथड होता है एक्विजिशन मेथड, जिसकी चार स्टेप्स होती हैं। आइडेंटिफाई द एक्वायरर, डिटरमाइन द एक्विजिशन डेट, और तीसरा असेट्स लाइबिलिटीज को रिकोगनाइज और मेजर करना, एनसीआई को रिकोगनाइज मेजर करना, और चौथा स्टेप होता है गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज को रिकोगनाइज और मेजर करना। फिर हमने देखा था कि पहली स्टेप क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप्स है चार चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, चार एलिमेंट्स आपको चाहिए, पीसी, नेट असेट्स, एनसीआई और गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस। उन्हीं चार चीज़ों को अपन ने डिटेल में समझा था। चार चीज़ों को डिटेल में हमने समझा था। उसके लिए सबसे पहली चीज़ थी पीसी। पीसी में हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, कैश, डेफर्ड कैश, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड और असेट्स गिवन वगैरह वगैरह। क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी पीसी में हमने वो भी देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था नेट असेट्स, नेट असेट्स का रिकॉग्निशन कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी नेट असेट्स आएंगी, उसके ऊपर डीटी आएगा, वो नेट असेट्स जो बुक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है वो भी आ सकती है अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। इंडेमनिफिकेशन असेट्स भी आ सकती हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज को भी रिकॉग्नाइज करोगे अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो। मेजरमेंट जनरल रूल ये था तो कि आप फेयर वैल्यू अप्लाई करोगे। एक्सेप्शनल रूल कुछ ये था कि आपके कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक इंडेस लगेंगे। फिर हमने देखा था कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई, एनसीआई को निकालने के दो तरीके होते हैं, फेयर वैल्यू मेथड और प्रोपोर्शन ऑफ नेट असेट मेथड। एनसीआई दो टाइप के होते हैं, क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग, हमने ये सब देखा था, राइट? गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज हमने देखा था कि भाई पीसी प्लस एनसीआई माइनस 100% नेट असेट्स। हमने यहां तक चीजों को डिस्कस किया था। चलिए अब क्या चीज है, पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँ कि कुछ आप मुझसे बात तो नहीं करना चाह रहे, कुछ पूछ तो नहीं चाह रहे, फिर अपन आगे चलते हैं। यस, तो अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने कोई ऐसी चीज मुझसे पूछी नहीं है, सब मस्ती मजाक में लगे हुए हैं, कुछ टेक्निकल गुरुजी बन रहे हैं, कुछ कैरी मिनाटी बन रहे हैं। ओके, सो चलिए, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू द सेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या मैं लाइव चैट को डिसेबल करूं और आपको क्या आवाज आ रही है? ओके, तो मैं लाइव चैट को डिसेबल करना चाह रहा हूं, मुझे जल्दी बताइए अपन लाइव चैट को डिसेबल करें कि नहीं। कर लो सर, क्या बात है, बच्चों के रिप्लाई नहीं आ रहे। ओके, ऑडिबल है सर, ठीक है, अब मुझे रिप्लाई आ रहे हैं। यस, ओके, सो चलिए गाइस, नाउ आगे बढ़ते हैं सेशन में। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर ए क्या था? बेसिक्स था। पॉइंट नंबर ए क्या था? जो हमें चार एलिमेंट्स चाहिए। पॉइंट नंबर सी पे अगर अब अपन आ गए हैं, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट पीरियड विंडो। व्हाट इज दिस मेजरमेंट पीरियड विंडो? क्या है ये मेजरमेंट पीरियड विंडो? गाइस देखिए, जनरल रूल ये होता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपको नेट असेट्स को मेजर करना है फेयर वैल्यू पे। नेट असेट्स को मेजर करके, फेयर वैल्यू पे मेजर करके पीसी से कंपेयर करना है, साथ साथ आपको एनसीआई को भी कंपेयर करना है पीसी के साथ और नेट असेट्स के साथ, और इन तीनों को कंपेयर करके आपको निकालना है गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस। मतलब गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस कब निकलेगा? डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलेगा। कुछ भी हो जाए वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपको गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालना है। किस वर्किंग से? व्हेन यू कंपेयर द पीसी, एनसीआई एंड नेट असेट्स। इस वर्किंग को
हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने वर्किंग कर ली, मान लीजिए हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पर गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकाल लिया, मतलब हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पर नेट असेट्स को फेयर वैल्यू कर लिया। ये था जनरल रूल। बट बच्चों, कभी कभार कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर कोई एकाध ऐसी कोई असेट हो सकती है या एकाध कोई ऐसी लायबिलिटी हो सकती है जिसको हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पर प्रोविजनल बेसिस पर मेजर किया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोविजनल बेसिस पर मेजर किया है, मतलब हमें यह लगता है कि इसका मेजरमेंट जो हमने किया है दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। हमने हो सकता है इसको ढंग से मेजर ना किया हो, या एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमने उसके हिसाब से उसको मेजर किया है, बट स्टिल वी आर फीलिंग लाइक कि आगे हमें और कुछ इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो हम इसको बेहतर तरीके से मेजर कर सकते हैं आगे, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद। आ रही मेरी बात समझ में? इसीलिए एक पैराग्राफ बनाया गया मेजरमेंट पीरियड विंडो का, मेजरमेंट पीरियड विंडो का एक पैराग्राफ बनाया गया, आइए उसको पढ़ते हैं। ये मेजरमेंट पीरियड विंडो का मतलब क्या है? जनरल रूल कहता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर मेजरमेंट करिए, पर एक्सेप्शनली एक आपको ये अलाउ किया गया है कि अगर मान लीजिए डेट ऑफ एक्विजिशन के पास डेट ऑफ एक्विजिशन पर आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है टू मेजर द नेट असेट, आप मैक्सिमम 12 मंथ पीरियड के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन आप मैक्सिमम 12 मंथ पीरियड के अंदर आप आगे चल के विद इन 12 मंथ्स अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन और जनरेट हो रही है तो आप उसको सब्सिक्वेंट आगे के टाइम पे भी नेट असेट्स को मेजर कर सकते हो, और वो जब आगे के टाइम पर नेट असेट्स को मेजर करोगे तो जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपने निकाली हुई है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट विल बी सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब पहली बात तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल चुका है आपका डेट ऑफ एक्विजिशन पर बेस्ड ऑन द प्रोविजनल मेजरमेंट ऑफ नेट असेट्स या कोई एकाध असेट और लायबिलिटी, कोई बात नहीं। विद इन 12 मंथ अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना, तो आप उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करके नेट असेट्स का मेजरमेंट फिर से कर सकते हो, रीमेजरमेंट कर सकते हो, और उसके कारण हो सकता है आपके एनसीआई पर डिफरेंस आ जाए, एनसीआई चेंज हो जाए अगर प्रोपोर्शन ऑफ नेट असेट्स निकाला था तो, और उसके कारण आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी चेंज हो जाएगा, तो वो आगे चल के आप चेंज कर सकते हो। आइए उसी चीज को अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है नेट असेट्स आर मेजर्ड एट प्रोविजनल बेसिस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इन्फो। अगर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल प्रोविजनल बेसिस पर नेट असेट्स को मेजर कर लो। अब ये नहीं है कि सारे के सारे नेट असेट्स प्रोविजनल बेसिस पे मेजर होंगे, एकाध कोई असेट लायबिलिटी हो सकता है आपको लग रहा है कि प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है तो आप प्रोविजनल मेजरमेंट कर लो। Subsequently, new information arise after date of acquisition for asset and liability that were existed on date of acquisition. हाँ, अब date of acquisition के बाद आपको कुछ new information arise हुई, किस asset liability के लिए? वो asset liability जो date of acquisition पर available थी, उस asset के लिए आपके पास additional info बाद में arise हुई। कौन सी asset? जो date of acquisition पर exist कर रही थी। कौन सी लायबिलिटी? जो डेट ऑफ एक्विजिशन पर एग्जिस्ट कर रही थी उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बाद में अराइज हुई, ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एग्जिस्टेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इफ सच न्यू इन्फो वुड हैव बीन अवेलेबल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन द नेट असेट्स एनसीआई एंड गुडविल मे हैव बीन चेंज। यह है कि अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल पहले ही होती तो शायद नेट असेट्स उस टाइम पर कुछ और वैल्यू होता, NCI कुछ और वैल्यू होता, और डेफिनेटली गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज भी कुछ और वैल्यू होता। तो आप आज वो चेंज कर दो। आप ये मान लो कि वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद मिला है, आप मान लो कि आपको वो डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही मिलता तो क्या चेंजेस होते? वो चेंजेस आप आज कर लो जिस दिन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से जो भी आपके नेट असेट्स में चेंजेस आने चाहिए गुडविल में एनसीआई में, आप वो रिक्वायर्ड चेंजेस कर लो। सर उससे क्या होगा? उससे एक टेक्निकली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एक जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के कारण आपका नेट असेट्स बढ़ना चाहिए, तो मैंने एंट्री कर ली उतने से नेट असेट अकाउंट डेबिट एडिशनल अमाउंट से। मान लीजिए एडिशनल अमाउंट इज 100 crores, तो नेट असेट्स अकाउंट डेबिट 100 crores। मान लीजिए उसके कारण आपका एनसीआई बढ़ना चाहिए 10 crores से,
तो टू एनसीआई 10 crores. अब जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जाएगा आपका गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस में. मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो गुडविल में एडजस्ट होगा टू गुडविल. अगर गुडविल आपकी पहले आई थी तो गुडविल अब रिवर्स हो जाएगा, या फिर टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व अगर पहले कैपिटल रिजर्व वगैरह गुडविल वगैरह कुछ हुआ था तो. सो गाइज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो असेट लायबिलिटी के लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है बाद में, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप असेट्स लायबिलिटीज एनसीआई गुडविल को चेंज कर सकते हो. पेरेंट इज अलाउड टू इनकॉर्पोरेट सच न्यू इन्फो इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन एंड मेक रिक्वायर्ड चेंजेस इन नेट असेट्स एंड एनसीआई. मैंने अभी आपको बता दिया. एनी डिफरेंस वुड बी एडजस्टेड इन गुडविल और कैपिटल रिजर्व. अच्छा, इफ न्यू इन्फॉर्मेशन अराइज आफ्टर द क्लोजर ऑफ विंडो. सर ये विंडो क्या है? विंडो मतलब 12 महीना. मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा 12 महीने तक, डेट ऑफ एक्विजिशन से 12 महीने तक अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो. अगर 12 महीने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इफ न्यू इन्फॉर्मेशन अराइज आफ्टर द क्लोजर ऑफ विंडो, ट्रीट दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको आई है एज एरर एंड मेक रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. अब क्या करोगे अगर आपको 12 महीने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है? अब उसको भी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, बट इन दैट केस इंड एएस 8 वुड बी अप्लाइड और इंड एएस 8 के अकॉर्डिंग उसको एरर माना जाएगा. आपको रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस करने पड़ेंगे और आप जानते हो कि इंड एएस 8 बोलता है कि जब भी अपने को रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी वापस से. मतलब अगर मान लीजिए आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन हो चुका है, 12 महीने 14 महीने हो चुके हैं, उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी, ओ माय गॉड इसके कारण तो हमारा वो जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे गुडविल निकाला था वो तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो चेंज होना चाहिए, अरे अब क्या करें, एक काम करो अब रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस करो और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ फिर से करंट ईयर में. ठीक है. अच्छा, डिफरेंस की देखिए, ये जर्नल एंट्री लिखी हुई है. जर्नल एंट्री, नेट असेट्स अकाउंट डेबिट टू एनसीआई टू गुडविल कैपिटल रिजर्व, या फिर नेट असेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल कैपिटल रिजर्व डेबिट. सॉरी, ये बेसिकली ये वाली एंट्री सही है. मेरा पेन अगेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है. यहां एनसीआई आना चाहिए. ये जो गुडविल के ऊपर नेट असेट्स लिखा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, ये एनसीआई होना चाहिए और टू नेट असेट्स. मतलब रिवर्सल, अगर मान लीजिए एनसीआई कम हो रहा है और नेट असेट्स कम हो रहा है, ठीक है, तो इसको नेट असेट्स मत करिए, इसको एनसीआई कर दीजिए. ठीक है सर, आपने बोला कि वो असेट्स और लायबिलिटीज जो डेट ऑफ एक्विजिशन पर अवेलेबल है उनके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आई. यस. अब कभी कभार आपको क्वेश्चन में उलझाया जाएगा कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कुछ न्यू असेट्स, कुछ न्यू लायबिलिटीज जनरेट हुई, उनकी अगर आपको आगे चल के एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि दैट असेट और लायबिलिटी वॉज नॉट देयर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. ओनली वो असेट्स और लायबिलिटीज जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे अवेलेबल थी उनके लिए अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला है तो ही आप आगे बढ़ोगे. चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको. सो दिस वॉज मेजरमेंट पीरियड विंडो. इस मेजरमेंट पीरियड विंडो के बेसिस पर एक क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर में, मे 19 का एक मॉक टेस्ट पेपर है. यार मे 19 का है या नवंबर 19 का, एक बार आप देख लीजिएगा, मैंने अपने क्लासेस में भी करवाया हुआ है. तो इसका एक मॉक टेस्ट पेपर में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है एमटीपी का, तो वो जरूर एक बार आप देखिएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट्स. अब आते हैं अपन अपने डी नंबर पॉइंट पर. ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब डी नंबर पॉइंट. ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स बहुत बड़ा होने वाला है और आज के सेशन में हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखो स्पेशल एडजस्टमेंट में कितने सारे एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4. अगले पेज पर जाएंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 एडजस्टमेंट्स हैं स्पेशल एडजस्टमेंट्स, 13 और इसको भी अगर मान लें तो 14, कुल मिला के 14 एडजस्टमेंट्स हैं. तो आज की क्लास में हम कुछ लिमिटेड एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे, राइट, 5 से 6 एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे, फिर अपन आगे अगली क्लास में अपन इसको देखेंगे. तो अपन आगे बढ़ रहे हैं स्पेशल एडजस्टमेंट्स पे. स्पेशल एडजस्टमेंट्स मतलब क्या, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन का, मतलब कंसोलिडेशन का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो कई सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कई सारे छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स अलग अलग डेट पर परचेज किए हैं, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कुछ शेयर्स को सेल कर दिया,
डिस्पोज कर दिया, सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स में कुछ एबनॉर्मल आइटम्स हैं, ठीक है ना, सब्सिडरी कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटीज का फेयर वैल्यूएशन करना है, जो मैंने आपको बोला भी है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर करते हैं, तो ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको वो देगा। अब उसको अप्रोच कैसे करना है, अब उसको प्रैक्टिकली हमें अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मैंने ये स्पेशल एडजस्टमेंट बताया है, ठीक है, उसके लिए ये स्पेशल एडजस्टमेंट आपको मैंने बताया है। पहला स्पेशल एडजस्टमेंट देखिए क्या है, एबनॉर्मल आइटम। अच्छा, स्पेशल एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे ये तो जानते ही होंगे, आप सभी बच्चे ये तो जानते ही होंगे कि जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सब्सिडरी के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, बूस्टर बैच के, वो जानते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, उन्होंने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तरीका अलग होगा, बाकी मतलब प्रेजेंटेशन अलग होगा, बाकी अप्रोच वही होगी, मोटा मोटी अप्रोच वही होगी। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, जिस वर्किंग नोट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, बेसिकली देखो हमें डेट ऑफ एक्विजिशन पर नेट असेट की वैल्यू चाहिए ताकि हम गुडविल और कैपिटल सब निकाल सकें, पर हमें बैलेंस शीट डेट पर भी नेट असेट की वैल्यू चाहिए ताकि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सके, डेट ऑफ एक्विजिशन पर नेट असेट की वैल्यू चाहिए ताकि हम गुडविल निकाल सके, कैपिटल सब निकाल सके, बैलेंस शीट डेट पर हमें नेट असेट की वैल्यू चाहिए ताकि हम बैलेंस शीट बना सके, और डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर बैलेंस शीट डेट तक के जो बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में जो भी नेट असेट में चेंजेस हुए हैं, सब्सिडरी के नेट असेट में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो आम तौर पर चेंजेस क्यों हुए होंगे। ऑब्वियसली सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा तो नेट असेट बड़ा होगा, लॉस किया होगा तो नेट असेट घटा होगा, या तो शेयर कैपिटल इशू किया होगा या तो शेयर कैपिटल रिडीम किया होगा, व्हाटएवर, तो नेट असेट में कुछ चेंजेस भी हुए होंगे, तो हमें वो नेट असेट के चेंजेस भी चाहिए ताकि हम चेक करें कि उसमें पेरेंट का कितना शेयर है। अगर सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन तो उसमें पेरेंट का हिस्सा होता है। इस सब चीजों को निकालने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट्स। कुछ लोग इसको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, एओपी, कुछ लोग इसको एओपी भी कहते हैं। बेसिकली मैं भी पहले इसको एओपी कहता था ओल्ड सिलेबस में जब मैं इसका कंसोलिडेशन करवाता था, तो अब हम इसको एओपी नहीं कहते, हालांकि आप इसको एओपी वर्ड भी बोल सकते हो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, और इंस्टेड आप इसको बोल सकते हो एनालिसिस ऑफ नेट असेट्स, प्रॉफिट से बेहतर। अब इसका फॉर्मेट बनता कैसे, फॉर्मेट बनता है बेसिकली इसमें एक होता है डेट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट, एक होता है चेंजेस का अमाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट डेट का अमाउंट, ठीक है ना, बैलेंस शीट डेट का अमाउंट। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये बोलते हैं कि यार आपके नेट असेट्स में एक तो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक आता है आपका अदर इक्विटी। अदर इक्विटी आप समझते हो, अदर इक्विटी मतलब पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, व्हाटएवर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके डेट ऑफ एक्विजिशन पर आते हैं, ये आपके बैलेंस शीट डेट पर आते हैं। जो भी चेंजेस होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट, वो चेंजेस किस में बढ़ता है, वो पेरेंट का शेयर निकलता है और वो एनसीआई वालों का शेयर निकलता है, समझ रहे हो मेरी बात। इस तरीके से हम कुछ ऐसी वर्किंग करते हैं, ठीक है, ऐसी कोई वर्किंग करते हैं हम। डेट ऑफ एक्विजिशन पर जो भी हमें हमारे इक्विटी कैपिटल प्लस अदर इक्विटी का नेट असेट्स का टोटल आता है, यहां नेट असेट्स आता है, इस नेट असेट 100% को हम अपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग में ले जाते हैं, मतलब गुडविल कैपिटल रिजर्व की वर्किंग में ले जाते हैं, क्योंकि हमें नेट असेट्स 100% चाहिए होता है। ये जो यहां पर हमें पेरेंट का शेयर मिलता है चेंजेस वाले कॉलम में, हम ये बोलते हैं कि भाई ये पेरेंट का शेयर है, चेंजेस वाला कॉलम मतलब सब्सिडरी कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सब्सिडरी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसमें पेरेंट का हिस्सा क्या है और एनसीआई का हिस्सा क्या है। जो पेरेंट का हिस्सा होता है वो हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पेरेंट में डाल देते हैं और एनसीआई वाला एनसीआई के वर्किंग में डाल देते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है।
अब ये मैं आपको फॉर्मेट इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप स्पेशल एडजस्टमेंट्स को पहले अच्छे से समझ सकें। स्पेशल एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको ये फॉर्मेट पता होना जरूरी है। इस फॉर्मेट में थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टीचर, जिससे आपने पढ़ा होगा वैसा, बट मेजरली ये इसी तरीके से डील होता है। मेजरली ये इसी तरीके से डील होता है, ठीक है? अब आते हैं पहला आइटम, एबनॉर्मल आइटम। सर ये एबनॉर्मल आइटम क्या है? मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में प्रॉफिट निकालते वक्त कुछ एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉसेस अराइज हुए थे। ड्यूरिंग द पीरियड एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉसेस कुछ अराइज हुए थे। एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉसेस अराइज हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड। आई मेरी बात समझ में? क्लियर बेटा? एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉसेस कुछ ड्यूरिंग द पीरियड अराइज हुए थे। अब वो एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस अगर अराइज हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमें उन एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस को हटाना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस चेंज कॉलम का टाइम एडजस्टमेंट कर सकें। टाइम एडजस्टमेंट क्यों? उसका रीजन ये है, मान लीजिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 1920, ये आपका 1 अप्रैल है, ये आपका 31 मार्च है। मान लीजिए हमने डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई। अब अगर डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई है, तो ये वाला जो पीरियड है आपका, ये वाला जो आपका पीरियड है, बेसिकली दिस इज योर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड विच इज कॉल्ड, ये वाला चेंजेस कॉलम मतलब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है? टेक्निकली 9 मंथ्स है। तो जो 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट पेरेंट और एनसीआई में बांटा जाएगा, और यहां तक का जो भी नेट असेट पोजीशन निकलेगी वो आपकी 100% नेट असेट्स निकाल के हम गुडविल कैपिटल तो निकालेंगे। तो हमें 9 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, 9 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए। जबकि जब आप ये बनाते हो यहां पर, आप जब डेट ऑफ एक्विजिशन वगैरह के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से जब आप लिखते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जब यहां पर बैलेंस आप लिखते हो, मान लो 3 लाख, तो वो आप 1 अप्रैल का लिख रहे हो, और बैलेंस शीट डेट पर आप लिख रहे हो 4,50,000, तो वो 31 मार्च का लिख रहे हो। मैंने ऐसे ही फिगर ले लिए। अब 3 लाख आपने 1 अप्रैल का लिखा, 450 आपने 31 मार्च का लिखा, तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसका मतलब आपका 1,50,000 आपका ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 12 मंथ्स का, क्योंकि आपने 1 अप्रैल का लिखा। पर मुझे ये 12 मंथ थोड़ी चाहिए, मुझे पता है मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड सिर्फ 9 मंथ का है, तो कायदे से मुझे 150 नहीं चाहिए। 150 में से भी जो 3 मंथ्स होंगे वो कहीं ना कहीं इस वाले पीरियड में जाने चाहिए। पर एक्चुअली दिक्कत ये थी कि मेरे पास 1 जुलाई का बैलेंस मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर मुझे 1 जुलाई का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, 1 अप्रैल का दिया हुआ है, तो मैंने शुरुआत भी वहीं से की। अगर 1 जुलाई का मेरे पास बैलेंस दिया होता तो मैं यहां पर लिखता ही 1 जुलाई का बैलेंस, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती, फिर मुझे कुछ बंटवारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो होता क्या है कि जब हम इस 150 में से 3 मंथ्स का प्रॉफिट हटाएंगे इधर डालेंगे, उसको करने के लिए हमें टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि चलो ठीक है, इसमें से 3 मंथ्स प्री एक्विजिशन पीरियड का कितना है, बाकी 9 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन कितना है। ये टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ये प्रॉफिट है 1,50,000, ये प्रॉफिट इज इवनली अकर्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब हमेशा हर महीने ये प्रॉफिट सेम हुआ होगा। अब मैं आपको ये एडजस्टमेंट क्यों करवा रहा हूं? अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल आइटम्स दिए हुए हैं, इसका मतलब किसी एक आध महीने में कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ है, किसी एक आध महीने में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यू कैन नॉट अज्यूम योर प्रॉफिट इज इवनली अकर्ड थ्रू आउट द ईयर। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम वो एबनॉर्मेलिटीज को एलिमिनेट नहीं कर लेते अपने प्रॉफिट में से, तुम अपने प्रॉफिट को इवनली अकर्ड थ्रू आउट द ईयर बोल ही नहीं सकते। तो यही रीजन है एबनॉर्मल आइटम को अच्छे से समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम फ्रॉम चेंजेस कॉलम। चेंजेस कॉलम मतलब बेसिकली पोस्ट एक्विजिशन कॉलम। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस 1,50,000 का टाइम एडजस्टमेंट नहीं करोगे, आप बोलोगे इसमें से मैं एबनॉर्मल आइटम्स को एलिमिनेट कर देता हूं ताकि बाकी प्रॉफिट मुझे नॉर्मल मिल जाए, और जैसे ही मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा मैं उसका टाइम एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम फ्रॉम द चेंजेस कॉलम, मेक टाइम एडजस्टमेंट। अब मैंने एलिमिनेट कर दिया, अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसको लेस करेंगे हटाने के लिए, लॉस है तो उसको ऐड करेंगे। अब मैं टाइम एडजस्टमेंट कर देता हूं, टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए मेरा अजम्पशन क्या है कि मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो इवनली अकर्ड थ्रू आउट द ईयर हुआ है, उसको मैंने डिवाइड कर लिया 3 महीने में कितना, 9 महीने में कितना।
अब एबनॉर्मल आइटम जो मैंने एलिमिनेट किया था उसको वापस से मुझे रीस्टेट करना पड़ेगा, वापस से उसका इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो रीस्टेट द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम, अब मैं रीस्टेट करूंगा तो क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि एबनॉर्मल आइटम मेरा कौन से पीरियड में हुआ था, मतलब वो इस डे इधर हुआ था कि इधर हुआ था। अगर वो इधर कहीं हुआ था तो मतलब वो प्री कॉलम में चला जाएगा, मतलब वो डेट ऑफ एक्विजिशन कॉलम, इस कॉलम को अपन प्री एक्विजिशन कॉलम बोलते हैं। और अगर मेरा यहां पर कहीं हुआ था तो मैं वापस से उसको रीस्टेट कर दूंगा इधर कॉलम में। तो इस तरीके से हम एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं, रीस्टेट द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम इधर इन डेट ऑफ एक्विजिशन और चेंज कॉलम। अब बच्चे यहां पर उलझते क्या है, बच्चे यहां पर आए तो आए, मतलब मुझे कई सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर यहां पर जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट तो सर हमेशा हम चेंज कॉलम से ही एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनको यह बोलता हूं कि एलिमिनेट हम चेंज कॉलम से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत 1 अप्रैल से कर रहे हैं, 3 लाख हमने लिखा है और जो 150 है वो पूरे 12 महीने का है, मतलब पूरे 12 महीने का प्रॉफिट आपका यहां रखा हुआ है। तो जब आप एबनॉर्मल गेन और लॉस हटाओगे वो भी तो आपका करंट ईयर में 12 महीने में कहीं ना कहीं हुआ होगा ना, तो कहां से हटाओगे, ऑब्वियसली यहीं से हटाओगे। तो हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ऑलवेज चेंज कॉलम में से एलिमिनेट करेंगे। टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद जब आप उसको वापस से ले जाओगे एबनॉर्मल आइटम को तो आप चेक करोगे कि वो किस डेट पे हुआ था, क्योंकि टाइम एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, 3 महीने का प्रॉफिट शिफ्ट हो चुका है। अब एबनॉर्मल आइटम को देखना पड़ेगा कि कौन से पीरियड में जाना चाहिए। आई होप आपको ये एबनॉर्मल आइटम वाला पॉइंट समझ में आया हो। फिर से बता दूं ये एबनॉर्मल आइटम हम क्यों पढ़ रहे हैं। एबनॉर्मल आइटम हम सिंपल सी बात है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें टाइम एडजस्टमेंट करना है। टाइम एडजस्टमेंट हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट चाहिए सब्सिडरी कंपनी का, ताकि हम उसके उसको पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट के लिए हमें पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट दिया नहीं होता है, हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है प्रॉफिट का और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, और डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में कहीं होता है। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट को निकालने के लिए टाइम एडजस्टमेंट करना होता है, प्रॉफिट को बांटना पड़ता है प्री पीरियड को और पोस्ट पीरियड में। इसके लिए बांटने के लिए हमें एक बेसिक अजम्पशन लेना पड़ता है कि प्रॉफिट इज इवनली अकर्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हर महीने सेम सेम हुआ होगा। अगर मेरा 150 का प्रॉफिट है तो 150 / 12, मतलब हर महीने मेरा प्रॉफिट 12.5 हुआ होगा, ये मेरा अजम्पशन है। रियल लाइफ में हम ये अजम्पशन नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद मैं आपके साथ लाइव चैट एनेबल करूंगा और तब अपन डिस्कस करेंगे आपके साथ डाउट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। रीवैल्यूएशन गेन लॉस डेप्रिसिएशन इफेक्ट, सर ये क्या चीज है। अच्छा आपको याद होगा डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमें नेट असेट्स को फेयर वैल्यू करना होता है, याद आ रहा कि नहीं। अब फेयर वैल्यू करना होता है तो फेयर वैल्यू के लिए वो क्वेश्चन में आपको कुछ मार्केट वैल्यूज देगा असेट्स और लाइबिलिटीज की डेट ऑफ एक्विजिशन पर, ठीक है। बैलेंस शीट में, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जो डेट ऑफ एक्विजिशन पर असेट्स और लाइबिलिटीज की आपको वैल्यू दिख रही है वो कैरिंग अमाउंट है, हमें चाहिए मार्केट प्राइसेस। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं दिए हुए हैं तो हम कैरिंग अमाउंट को ही ले लेते हैं फेयर वैल्यू, पर अगर हमें अलग से मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। सी हम क्या करते हैं, हम इसके लिए रीवैल्यूएशन गेन और लॉस निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर रीवैल्यूएशन गेन लॉस क्यों निकाल रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगर आपको बोलूं कि एक बैलेंस शीट है, ऐसे ही मैं टी शेप बना रहा हूं, यहां है असेट्स, यहां है लाइबिलिटीज और यहां है आपका इक्विटी और अदर इक्विटी। अदर इक्विटी मतलब रिजर्व सरप्लस। बेसिकली नेट असेट मतलब कैसे, असेट माइनस लाइबिलिटी, एक तरीका ये, या दूसरा तरीका इक्विटी प्लस अदर इक्विटी। अगर आप मेरे इस स्टेटमेंट को देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेता हूं ताकि ये आपको प्रॉपर दिखे। अगर आप मेरे इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमें दो चीज हम देखो यहां पर ऐड कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पर हम देखो क्या कर रहे हैं, एक इक्विटी कैपिटल ले रहे हैं और एक अदर इक्विटी ले रहे हैं, मतलब ये बेसिकली एक नेट असेट ले रहे हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पर, देख रहे हो आप। तो बेसिकली हम ये वाला रूट अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला रूट अप्लाई कर रहे हैं। हमने ये कहां से लिया होगा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट से लिया होगा, ये भी ऑब्वियसली बैलेंस शीट से लिया होगा।
मतलब दोनों चीजें को क्या होगा, दोनों चीजों की ये कैरिंग अमाउंट होगी। इसका मतलब मेरा कहने का कि जब भी तुम ये वर्किंग नोट बनाते हो तो जो तुम इक्विटी कैपिटल और अदर इक्विटी के फिगर्स लेते हो वो तुम बैलेंस शीट से ले रहे हो। कैरिंग अमाउंट तुम किसकी बैलेंस शीट से ले रहे हो, सब्सिडी की बैलेंस शीट से, तो ये कैरिंग अमाउंट हो गए। अब ये तो कैरिंग अमाउंट है ना, मुझे तो फेयर वैल्यू चाहिए। तो फेयर वैल्यू के लिए मान लो अगर वो आपको बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका जो असेट, सपोज आपका असेट है 5 करोड़ का, लाइबिलिटी है आपका 2 करोड़ का, तो टेक्निकली नेट असेट्स आपका कितना हुआ, 3 करोड़ का। अब वो 3 करोड़ का कैसे हुआ, मान लो इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ और अदर इक्विटी 2 करोड़, तो बेसिकली आपने 1 और 2 आपने यहां ले लिया, आपने इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ और अदर इक्विटी आपने 2 मान लीजिए ले लिया। ये बैलेंस शीट किस दिन की है, मान लीजिए ये बैलेंस शीट डेट ऑफ एक्विजिशन की है। आप इसको 1+2 3 मानो या फिर आपको 5-2 3 मानो, एक ही बात है। बेसिकली हमने यहां पर ले लिया 1+2, मतलब हमारा यहां पर नेट असेट आ गया 3 करोड़। पर क्या ये नेट असेट 3 करोड़ सही है, द आंसर इज नो, क्योंकि ये कैरिंग अमाउंट है, मुझे चाहिए फेयर वैल्यू। ऐसा क्या करें, तो बेसिकली मान लो इस असेट 5 करोड़ की मार्केट वैल्यू, सपोज मार्केट वैल्यू है 7 करोड़, अगर इसकी मार्केट वैल्यू 7 करोड़, तो इसका मतलब अगर मार्केट वैल्यू 7 करोड़ है तो 7-2 मतलब मेरी नेट असेट 5 करोड़ होनी चाहिए, जबकि मैंने नेट असेट ली कितनी है, नेट असेट मैंने 3 करोड़ ली है। तो जो 7-2 7-5 मतलब जो 2 करोड़ जो एडिशनल जो मेरा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा रीवैल्यूएशन गेन है। मैंने मतलब असेट को रीवैल्यू कर दिया और रीवैल्यूएशन गेन है जो कहीं ना कहीं मैंने अपनी बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाया, पर वो हिडन है कहीं, मतलब वो बैलेंस शीट के बाहर है बट मेरा वो गेन है। तो यही जो रीवैल्यूएशन गेन आपको दिख रहा है, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस, आपको ये रीवैल्यूएशन गेन और लॉस निकालना पड़ता है डेट ऑफ एक्विजिशन पर कि यार मेरी असेट की मार्केट वैल्यू कितनी है डेट ऑफ एक्विजिशन पर और मेरी असेट की बुक वैल्यू कितनी है डेट ऑफ एक्विजिशन पर। मैं रीवैल्यूएशन गेन और लॉस निकालूंगा और वो जो रीवैल्यूएशन गेन और लॉस का इंपैक्ट निकलेगा उस इंपैक्ट को मैं यहां पर जैसे ही ले जाऊंगा तो मेरी नेट असेट अपने आप मेरी मार्केट वैल्यू पर मतलब फेयर वैल्यू पर आ जाएगी। आई मेरी बात समझ में? तो इसीलिए हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। तो पहला आइटम आप समझिए, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। रीवैल्यूएशन गेन लॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन पर और बुक वैल्यू चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन पर नेट असेट्स की। जैसे ही आएगा बुक वैल्यू और डेट ऑफ एक्विजिशन, ये सब जैसे ही आएगा तो ये आपका रीवैल्यूएशन गेन और लॉस निकल जाएगा। अब कभी कभार आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की बुक वैल्यू नहीं दी होगी, इसको देखो आपका डेट ऑफ एक्विजिशन ये है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मान लीजिए फिक्स असेट यहां पर 5 करोड़ की है, फिक्स असेट यहां पर 8 करोड़ की है, पर आपको तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर चाहिए ना, तो आप कैसे निकालोगे बेसिकली, या फिर यहां ये मान लो कि यहां पर 4.5 करोड़ की है तो आप कैसे निकालोगे। यहां पर आपको डेप्रिसिएशन का कहीं ना कहीं कुछ रेट दिया होगा, उससे आप रिवर्स वर्किंग करोगे और यहां से आप -3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन करोगे तो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की फिक्स असेट की वैल्यू वापस से आपको दे देगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट बाय रिवर्स वर्किंग थ्रू डेप्रिसिएशन रेट और यूजफुल लाइफ। कि आप अगर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पर बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आपको जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ एसेट का उसको रिवर्स करके डेप्रिसिएशन रेट की बदौलत या यूजफुल लाइफ की बदौलत आप रिवर्स करके आप उसको बुक वैल्यू निकाल सकते हो डेट ऑफ एक्विजिशन पर। अब जो भी गेन और लॉस आया मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन पर, गेन आया मतलब मेरी एसेट बढ़ रही है, नेट असेट बढ़ रही है, लॉस आया मतलब मेरी नेट असेट गिर रही है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इस गेन और लॉस को मुझे जो डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो मेरा कॉलम है उस वर्किंग में उसमें मुझे डालना है आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी मैंने यहां पर टाइम एडजस्टमेंट किया होगा मुझे गेन को ऐड करना है, लॉस को लेस करना है। अब क्योंकि ये जो मेरा गेन और लॉस आ रहा है मतलब मैं मान रहा हूं कि मेरी बुक मेरी जो फेयर वैल्यू है एसेट की वो ज्यादा है जबकि उसका टैक्स बेस कुछ और होगा, तो मैं आपको इंडिया स्टॉल में पढ़ा चुका हूं कि आपको उसका डीटीए डीटीएल का इंपैक्ट गेन और लॉस पर निकालना है और वो जो डीटीए डीटीएल का इंपैक्ट निकलेगा वो भी आपको उसी चेंज कॉलम में डालना है। इग्नोर डीटीए डीटीएल इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी टैक्स रेट नहीं दिया है तो आप कोई अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे, डीटीए डीटीएल नहीं निकाल के आएंगे, अदरवाइज आप डीटीए डीटीएल निकाल के वहीं पर डालेंगे। कैसे रहेगा मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं। बेसिकली क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका 5 करोड़ था 7 करोड़ था मार्केट वैल्यू,
तो आपने क्या किया, आपने बोला यार मेरा तो नेट असेट यहां पर 3 करोड़ दिख रहा है, तो आप यहां पर बोलोगे यार ठीक है गेन ऑन नेट असेट या रिवैल्यूएशन 2 करोड़ आपने यहां पर ऐड कर दिया, अब कितने हो गए आपके 5 करोड़। पर इस 2 के ऊपर आपको डीटीएल मान लो निकालना है, क्या निकालना है डीटीएल, तो यहां पर आप माइनस करोगे डीटीएल मान लीजिए 0.5 फॉर एग्जांपल कुछ भी, अब आपका आया 4.5 ये आ गया फाइनली आपका नेट असेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि आपको सीओसी की वर्किंग मतलब गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए लगेगा। समझ में आया, इस तरीके से मैं बता रहा हूं। सर दूसरी चीज क्या है, ये क्या है सर डेप्रिसिएशन इफेक्ट। अब अगर मान लीजिए आपने यहां पर असेट को 5 करोड़ के बजाय 7 करोड़ लिया है, मतलब आप खुद बोल रहे हो कि मैंने असेट 7 करोड़ में खरीदी है, तो आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन भी तो 7 करोड़ के ऊपर लगना चाहिए, जबकि सब्सिडरी ने तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाया होगा, 5 करोड़ पे लगाया होगा। तो एक्चुअली पेरेंट कंपनी को एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 2 करोड़ के ऊपर। और यहीं पर अगर मान लो 7 के अलावा वैल्यू सपोज 4 थी, तो इसका मतलब आपने वैल्यू 4 मानी है, मतलब आपको डेप्रिसिएशन 4 पे लगाना चाहिए, जबकि सब्सिडरी ने 5 पे लगा लिया है, तो आपको फिर डेप्रिसिएशन को वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जब भी असेट और लायबिलिटी का हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसके कारण हमारा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इफेक्ट एज अंडर ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, डेप्रिसिएशन दैट शुड बी चार्ज फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ असेट पे, लेस डेप्रिसिएशन एक्चुअली या ऑलरेडी चार्ज फॉर द सेम पीरियड, और डेप्रिसिएशन कितना ऑलरेडी सब्सिडरी कंपनी ने चार्ज कर दिया है, मतलब 7 करोड़ के ऊपर 9 महीने के लिए पोस्ट पीरियड के लिए कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, और 5 करोड़ के ऊपर उस 9 महीने में कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी सब्सिडरी कंपनी ने चार्ज कर लिया है। जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए या तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होना चाहिए, मतलब मैं उसको बोल रहा हूं सेविंग। जो भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को आप कहां डालोगे, चेंज कॉलम में डालोगे, मतलब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डालोगे। आई बात समझ में, कौन से पीरियड में डालोगे, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डालोगे, और उसका भी आप अकॉर्डिंगली डीटीए डीटीएल को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन कुछ और निकाला है, टैक्स बेस कुछ और है। सो बेसिकली ये होगा आपका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि आपने आप इमेजिनेशन कर पा रहे होगे, और वही बच्चा इमेजिनेशन कर पा रहा होगा जिसने बिजनेस कॉम्बिनेशन अच्छे से किया होगा, तो ही ये रिवीजन उसको अच्छा लग रहा होगा, अदरवाइज ये रिवीजन उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए अभी तक आपको जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है उसको हम लाइव चैट इनेबल करके मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, सो बताइए मुझे क्या आपके डाउट्स हैं। सर मेजरमेंट पीरियड में इंडेमनिफिकेशन असेट भी कवर होगी? यस कवर होगी, सारी असेट कवर होगी, मेजरमेंट पीरियड में सारी असेट्स कवर होगी। DOA 1217 balance given to time adjustment नहीं करेंगे, और बिफोर एंड आफ्टर abnormal आइटम के भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको DOA मतलब जब आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है 17 और उस दिन का अगर आपको balances दिया हुआ है तो फिर आप टाइम एडजस्टमेंट नहीं करोगे, राइट right? आप टाइम एडजस्टमेंट नहीं करोगे, आपको उस दिन का बैलेंस दिया है, आपको क्या दिक्कत है, जब बैलेंस ऑलरेडी देके रखा है तो टाइम एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर डेट फिर एबनॉर्मल आइटम भी एबनॉर्मल का भी कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा फिर तो।
हाँ जी बेटा, और कोई डाउट? डी टी ए डी टी एल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट. यस, ऑन द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट, बिकॉज द डेप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू चार्ज एंड द डेप्रिसिएशन दैट शुड बी चार्ज एज पर द इनकम टैक्स दैट इज डिफरेंट. सो ऑन दैट पोर्शन बेसिकली असेट के भी ऊपर भी डिफरेंस आ जाएगा, तो इसीलिए डी टी ए डी टी एल कैलकुलेट होगा. सर, डज टाइम एडजस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड चेंज इन पी सी ड्यू टू कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बींग रियलाइज? Does time adjustment also include change in PC? Change in PC due to contingent liability being realized? No, no. Time adjustment basically we are doing time adjustment to calculate the proper value of net asset only. Sir, DT retail के लिए जिसके पास asset होगी वो tax rate? हाँ, exactly. अगर subsidiary का tax rate अलग है, holding का tax rate अलग है, तो आपको subsidiary का tax rate लेना पड़ेगा. मेजरमेंट पीरियड वाले पॉइंट में एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करें और नेट असेट्स इंक्रीज हो तो भी एनसीआई पे इफेक्ट आएगा? फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने एनसीआई को तो वैसे भी फेयर वैल्यू पे मेजर किया है, फिर नहीं आना चाहिए. अगर चेंज कॉलम में नेट इफेक्ट डीटीए एंड डीटीएल का शो कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? देखो, डीटीए डीटीएल का इफेक्ट दोनों कॉलम में आएगा, एक रीवैल्यूएशन के कारण आएगा और एक डेप्रिसिएशन के कारण आएगा. अगर आप ये पूछ रहे कि सर दोनों का नेट इफेक्ट करके चेंज में डाल दें तो गलत है. रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस का तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाले कॉलम में जाएगा और डेप्रिसिएशन वाला डेप्रिसिएशन वाले कॉलम में जाएगा. सिंपल. सर, मेजरमेंट पीरियड में इन्फो दो टाइप की होगी. फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, इट्स इफेक्ट विल एडजस्टेड इन गुडविल कैपिटल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज. एंड सेकंड, न्यू इन्फॉर्मेशन देन इफेक्ट विल बी एडजस्टेड विथ पी एंड एल. वन सेकेंड. नहीं, दो टाइप की चीजें ऐसे होंगी कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पर अवेलेबल थी हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम मेजरमेंट पीरियड में बात कर रहे हैं, विंडो में बात कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली बाद में. अब जो बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो किस असेट और लाइबिलिटी के लिए थी? क्या वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो असेट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी उसके लिए थी? यस. तो फिर हमारा ये जो हमने पढ़ा वो अप्लाई होगा. उसके अकॉर्डिंग आपको नेट असेट चेंजेस करने पड़ेंगे, एनसीए चेंजेस करने पड़ेंगे, गुडविल कैपिटल चेंजेस करने पड़ेंगे. बट वो इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में अराइज हुई उन असेट्स लाइबिलिटीज के लिए, जो असेट्स और लाइबिलिटीज डेट ऑफ एक्विजिशन पे थी नहीं, जबकि उसके बाद कोई न्यू असेट्स लाइबिलिटीज थी, उसका इफेक्ट तो पेंडल में जाएगा, हमने उसकी बात ही नहीं की. पीरियड, मेजरमेंट पीरियड में पीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा, पीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पीसी में तो आपने कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन ये सब ऑलरेडी डाल दिए ना, पीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, और कोई डाउट? नहीं है और कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मैंने लाइव चैट को डिसेबल कर दिया है, मैंने लाइव चैट को डिसेबल कर दिया है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, मैंने बता दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर थ्री, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड. अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है ड्यूरिंग द पीरियड तो अपने शेयर होल्डर्स को पे किया होगा, इसका मतलब एनसीआई को भी पे किया होगा, इसका मतलब पेरेंट को भी कुछ डिविडेंड मिला होगा, तो उस डिविडेंड का क्या इफेक्ट आएगा पूरे कंसोलिडेशन में, और उसका इफेक्ट हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में क्या उसका इफेक्ट करेंगे ये पढ़ रहे हैं. बहुत ही ईजी है. हम पढ़ रहे हैं भाई ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी और अक्वायरी कंपनी. अगर अक्वायरी मतलब सब्सिडरी ने पे किया, किसको पे किया? पेरेंट को और एनसीआई को. अब इसको दो हिस्सों में समझिए. व्हाट अक्वायरर विल डू, व्हाट अक्वायरी विल डू. व्हाट अक्वायरर विल डू मतलब पेरेंट क्या करेगा जिसको ये रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है. रिकॉग्नाइज एज इनकम व्हेन डिक्लेयर्ड इन पी एंड एल
पेंड अकाउंट इन एसएफएस। सिंपली यहां तो पेरेंट क्या अप्लाई करेगा, इंड एस 27। मैंने आपको पिछले सेशन में इंड एस 27 से शुरुआत करवाई थी। मैंने बोला था कि पेरेंट कंपनी को अगर डिविडेंड इनकम रिसीव होगी तो जब डिक्लेयर होगा डिविडेंड हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपने पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट में हम एसएफएस में उस डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट या डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सिंपली मतलब ये पेरेंट कंपनी करेगी। व्हाट अक्वायरी विल डू, अक्वायरी क्या करेगा उसका देखें। व्हाट अक्वायरी विल डू, व्हाट अक्वायरी विल डू, मस्ट हैव पास्ड एंट्री। हाँ, अक्वायरी ने एक एंट्री पास की होगी अपने एसएफएस में इन द ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, दैट इज करंट ईयर। सीधी बात है, डिविडेंड करंट ईयर में अगर डिक्लेयर हुआ होगा तो सब्सिडियरी कंपनी ने एंट्री क्या की होगी, पे एंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, फिर डिविडेंड पेबल टू बैंक। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता तो क्या एंट्री करते हैं, पे एंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू बैंक। तो सब्सिडियरी कंपनी ने एक एंट्री पास की होगी, मस्ट हैव पास द एंट्री इन द करंट ईयर, कौन सी, पे एंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू बैंक, तो पीएनएल टू बैंक उसने डायरेक्टली एंट्री पास की होगी। तो अब अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट चेंजेस उसमें क्या करेंगे, मतलब हम इस वाले वर्किंग में कोई इफेक्ट देंगे क्या, बिल्कुल देंगे, क्योंकि उसने वो एंट्री पास की होगी तो उसने पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। सुनना ध्यान से, सब्सिडरी ने अपने पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट सब्सिडरी का, सब्सिडरी का पेंडल अकाउंट डेबिट, मतलब उस सब्सिडरी ने अपने प्रॉफिट्स को गिरा दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। इसका मतलब जब हम चेंजेस कॉलम मतलब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में हम जो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग लिखते हैं, क्लोजिंग लिखते हैं, तो जो हमारा यहां पर बैलेंसिंग फिगर आता है 150, और करंट ईयर में वो डिविडेंड की एंट्री कर चुका है, तो डेफिनेटली जो ये 150 आ रहा होगा ये आफ्टर डिविडेंड आ रहा होगा। आप इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, यहां पर आपको आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बेसिकली इन द करंट ईयर वी हैव पास्ड एंट्री पेंडल अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो बेसिकली करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस तो आफ्टर डिविडेंड आ रहा होगा, और आपने इसमें से यह माइनस किया होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आपका 150 आ रहा है, दैट 150 डेफिनेटली इज आफ्टर डिविडेंड। अब इस 150 आफ्टर डिविडेंड का मुझे टाइम एडजस्टमेंट नहीं करना है। हमेशा एक याद रखना कि टाइम एडजस्टमेंट हमेशा कौन से प्रॉफिट का होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉर्मल रेक्टिफाइड प्रॉफिट। सर व्हाई आई एम सेइंग रेक्टिफाइड, कभी कभार बोलेगा प्रॉफिट गलत है, प्रॉफिट में को चेंजेस करो, नॉर्मल रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सॉरी आफ्टर टैक्सेस बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, इस पॉइंट को लिख लीजिए। टाइम एडजस्टमेंट हमेशा इस प्रॉफिट का होगा, आफ्टर टैक्स बिफोर एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड हमेशा एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है। तो यहां पर आपका, क्योंकि जो ये फिगर आ रहा है ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, आफ्टर डिविडेंड है, तो इसलिए आपको डिविडेंड यहां पर एड बैक करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने बोला एड बैक इन द पोस्ट एक्विजिशन कॉलम, क्योंकि आपने डिविडेंड को डिक्लेयर करने की एंट्री पास कर ली होगी, तो जो आपका चेंज कॉलम में प्रॉफिट दिख रहा है दैट मस्ट बी आफ्टर डिविडेंड, तो आपको उसको एड बैक करना पड़ेगा। अगर आपने एंट्री पास ही नहीं किए तो वो जो प्रॉफिट दिख रहा है वो आफ्टर डिविडेंड है ही नहीं, तो एड बैक करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर लॉजिक लगाओ कि अगर एंट्री पास हो चुकी है तो आपको एड बैक करना है, अगर एंट्री पास नहीं हुई है अभी तक तो एड बैक नहीं करना है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि एंट्री पास हो चुकी होगी, क्योंकि यार डिविडेंड पे हो चुका है तो एंट्री तो उसने पास कर ली होगी। उसके बाद आप टाइम एडजस्टमेंट कर लो, मेरी पेन फिर से नहीं चल रही, कोई बात नहीं, आपने क्या किया, आपने एडबैक किया, फिर आपने टाइम एडजस्टमेंट कर लिया, दैट्स इट, आपका एडबैक हो गया। अब क्योंकि आपका एडबैक हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, आपने टाइम एडजस्टमेंट वगैरह किया तो बड़ा हुआ प्रॉफिट का शेयर पेरेंट के पास गया और सब्सिडी एनसीए के पास गया। अब आप क्या करोगे, जब आप एनसीआई की वर्किंग करोगे, आप जब एनसीआई बनाओगे बैलेंस शीट डेट पर, दो एनसीए बनते हैं, एक डेट ऑफ एक्विजिशन पर और एक बैलेंस शीट डेट पर, और जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मतलब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे पेरेंट कंपनी का, तो उसमें डिविडेंड का शेयर उन दोनों से डिडक्ट कर देना, पेरेंट का शेयर कंसोलिडेटेड सोकी से और एनसीआई का शेयर एनसीआई से, आप डिविडेंड का शेयर डिडक्ट कर देना,
सर हम ये डिडक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ऊपर एड बैक किया चेंज कॉलम में, तो चेंज कॉलम की वैल्यू बढ़ गई तो आपने जब उसको अपोर्शन किया तो कुछ पोर्शन एनसीए के पास चला गया, कुछ पोर्शन पेरेंट के पास चला गया। पेरेंट ने तो ऑलरेडी अपने एसएफएस में उस डिविडेंड को रिकॉर्ड कर लिया है, यहां फिर डबल रिकॉर्ड हो गया बिकॉज वो एड बैक हो गया, तो इसलिए उसका इफेक्ट हम हटा रहे हैं ताकि कॉन्ट्रा हो जाए। तो इफेक्ट हटाने के लिए हम डिडक्ट कर रहे हैं उसके डायरेक्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल से। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में आपको कुछ नहीं करना, आपको एड बैक करना है चेंज कॉलम में, टाइम एडजस्टमेंट कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद आपने फाइनली पेरेंट के कंसोलिडेटेड पीएनएल में और सबसे एनसीआई की वर्किंग में आपको उन दोनों का शेयर लेस करना है डिविडेंड का। जैसे मान लीजिए डिविडेंड 1 लाख है, 1 लाख में से 90,000 पेरेंट का शेयर है, तो आपने पेरेंट का 90,000 शेयर माइनस कर दिया सोकी से और बाकी 10,000 एनसीआई से माइनस कर दिया, दैट्स इट। तो दिस इज द पॉइंट फॉर डिविडेंड। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप एक्विजिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप एक्विजिशन। सर ये स्टेप एक्विजिशन क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है 20% का, क्या वो मेरी सब्सिडरी हो गई? नहीं, इसलिए मैंने बोला एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मैंने 20% का इन्वेस्टमेंट किया आज, अगले साल मैंने 40% का इन्वेस्टमेंट फिर से कर दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था 20% का, तो वो कंपनी मेरी सब्सिडरी नहीं थी, माइट बी मेरी एसोसिएट हो सकती है या नहीं भी हो सकती। पर जब मैंने सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट किया 40% अगले साल, तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी बन गई। मतलब इसको बोलेंगे कि धीरे धीरे अक्वायर करके फर्दर एक्विजिशन करते वक्त मेरी वो सब्सिडरी कंपनी बन गई। दिस इज कॉल्ड स्टेप एक्विजिशन। मतलब पहले मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उससे तुम मेरी सब्सिडरी नहीं थे, आगे मैंने इन्वेस्टमेंट और किए, अब मेरी तुम सब्सिडरी कंपनी बन गए। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, ये हो गया आपका स्टेप एक्विजिशन। इसमें करेंगे क्या? सिंपली आपको याद होगा मैंने आपको यहां एक पॉइंट पेंडिंग करवाया था। ये देखिए क्या आपको दिख रहा है, पेंडिंग। आपने पूछा था यहां पर कर सर फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट सर ये क्यों दिया हुआ है? ये यही है बेटा, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू यही है, क्योंकि आपने जो लास्ट ईयर में 20% का इन्वेस्टमेंट किया था, 20% का इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट को मैं बोल रहा हूं प्रीवियस इन्वेस्टमेंट। अब मैं जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 40% का, जिससे तुम मेरी सब्सिडरी कंपनी बन गए, तो जो 40% का इन्वेस्टमेंट करते वक्त मैंने तुम्हें पे किया है, तो वो पीसी हो जाएगा। मतलब पीसी फॉर 40% इन्वेस्टमेंट प्लस अर्लियर पीसी, जो पुराना वाला पीसी है जो मैंने तुम्हें 20% के टाइम पे दिया था। इसीलिए मैं यहां पर कहां गया, यहां पर देखोगे हम क्या कर रहे हैं, पीसी डिस्चार्ज टू अक्वायर कंट्रोल। आज जो मैंने 40% तुमसे लिया है, टेक ओवर किया है, उससे मुझे कंट्रोल मिल गया। मतलब 40% के लिए जो पीसी दिया, आज के 40% इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने तुम्हें पीसी दिया, प्लस जो लास्ट ईयर मैंने तुम्हें तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, तब भी तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो मैंने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगाया होगा, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस इन्वेस्टमेंट। उसका क्या करेंगे, उसका फेयर वैल्यू, आज उस इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू लेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो करना क्या होता है स्टेप एक्विजिशन में, जब जिस एक्विजिशन पर तुम्हें कंट्रोल मिला है उसको प्राप्त करने के लिए जो तुमने पीसी दिया वो तो फर्स्ट वाला हो गया, पर पिछले इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को भी तुम्हें ऐड करना पड़ता है टू कैलकुलेट करेक्ट गुडविल और लॉस, गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। क्योंकि अल्टीमेटली अब तुम्हारा 60% का शेयर है, तो एनसीआई 40% होना चाहिए, तो एक्चुअली एनसीआई 40 होना चाहिए, तो तुमने जो अभी 40 खरीदा है तो बाकी 20 कहां गया, 20 तुम्हारे पास पहले से ही रखा था, तो इसीलिए तुम प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का आज का फेयर वैल्यू लोगे। सर हम फेयर वैल्यू क्यों लेंगे, जो पिछले साल हमने इन्वेस्ट किया था वही वैल्यू क्यों नहीं लेंगे? बेटा डेट ऑफ एक्विजिशन पर हम क्या करते हैं, हमारा पीसी फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, नेट असेट फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एनसीआई भी आपका फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। नेट असेट फेयर वैल्यू पे होगा तो एनसीआई उसके प्रोपोर्शन में फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, या तो एनसीआई अलग से फेयर वैल्यू पे निकालना पड़ता है। तो इसीलिए सब चीजें फेयर वैल्यू पे करने के लिए आपको प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को भी आज की वैल्यू पे दिखाना पड़ता है, यही हम बस पढ़ रहे हैं यहां पर। देखिए क्या लिखा है, CFS shall be prepared only when it results in acquisition of control। मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइम 20% खरीदा, सेकंड टाइम मैंने 20% खरीदा, अभी भी मेरे पास 40% हुआ है,
जनरली कंट्रोल कब आता है? 50 से ऊपर पे जनरली। तो क्या अभी मेरा एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल हुआ है क्या? द आंसर इज नो। कंट्रोल कब एक्वायर होगा? जब मैं 50 से ऊपर खरीदूं। तो मान लीजिए मैंने थर्ड टाइम पर 15% और खरीद लिया, इट बिकम्स 55। नाउ आई विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम दैट डे। व्हाट विल बी माय डेट ऑफ एक्विजिशन? माय डेट ऑफ एक्विजिशन विल बी द डेट ऑन व्हिच आई हैव इन्वेस्टेड 15% आई हैव इन्वेस्टेड इन द 15% शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। जो मेरी पिछले की जो दो डेट्स हैं 20% वाली, वो मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं मानी जाएंगी। फॉर गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज टेक फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अब तुम असेट्स इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे ले रहे हो, तो इसका मतलब तुमने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को अगर फेयर वैल्यू पे लिया है, तो हर चीज के डेबिट बराबर क्रेडिट दो इंपैक्ट होते हैं। तो एक तो तुमने फेयर वैल्यू पे ले लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट को हाई कर लिया, तो उसका सेकंड इफेक्ट कहां लोगे? इट्स सेकंड इफेक्ट दैट इज फेयर वैल्यू गेन ऑन द रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट शैल बी ट्रांसफर टू द कंसोलिडेटेड सोकी थ्रू पीएनएल। मतलब सीधी बात है, जब तुम अपने इन्वेस्टमेंट को आज फेयर वैल्यू पे ले रहे हो, तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल बढ़ रही होगी, तो इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो कंसोलिडेटेड पीएनएल में जाएगा, मतलब वो पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस होगा, वो भी पीएनएल में जाएगा। कुछ नहीं है, कुल मिला के बस आपको यहां पर ये पढ़ना है कि आपका जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है उसको आज की फेयर वैल्यू पे लेना है, क्योंकि आप आज की फेयर वैल्यू पे ले रहे हो तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हो अगर, तो उसका दूसरा इफेक्ट जो गेन होगा वो पेरेंट कंपनी अपने पीएनएल में डालेगी, कंसोलिडेटेड पीएनएल में, एसएफएस में नहीं। क्योंकि हम जो ये जितना भी कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ गुडविल कैपिटलिज्म निकालने के लिए कर रहे हैं, मतलब सीएफएस में कर रहे हैं। तो जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस आएगा बिकॉज ऑफ द फेयर वैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ कंसोलिडेटेड पीएनएल में जाएगा। आई मेरी बात समझ में? एक और पांचवा नंबर पॉइंट कर लेते हैं, फिर मैं लाइव चैट को इनेबल करूंगा। पांचवा नंबर पॉइंट कर लेते हैं, फिर मैं लाइव चैट को इनेबल करूंगा। एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप आइटम्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑन। ये पॉइंट आपको बहुत ही इजी पता है, आपको ये क्या होता है, आप मुझे लगता है ये पॉइंट कहीं ना कहीं आप आईपीसीसी डेज से पढ़ते हुए आ रहे हो, कि फॉर एग्जांपल मेरी बुक्स में सब्सिडियरी कंपनी की बुक्स में डेटर दिख रहे हैं, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में क्रेडिटर दिख रहे हैं, तो आपस में वो कॉन्ट्रा होकर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हट जाते हैं। दूसरा, एक दूसरे को लोन दिया, वो भी कट ऑफ हो जाता है। हाँ, अगर पेरेंट ने सब्सिडियरी को स्टॉक सेल किया प्रॉफिट पे और आपके पास अभी वो स्टॉक अनसोल्ड है, जब मैं आपको कंसोलिडेट करूंगा, मर्ज करूंगा अपने साथ, तो आपका स्टॉक मेरी बुक्स में जब आएगा तो उसमें मेरा ही प्रॉफिट शामिल है, तो मुझे प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, कि आपने मुझे स्टॉक बेचा था और मैं आपको कंसोलिडेट कर रहा हूं, तो ये ग्रुप कंपनी बन गई, तो ग्रुप कंपनी में एक ही से कमाया हुआ प्रॉफिट, अपने आप से कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, तो प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये वो वाला पॉइंट है, देखिए क्या लिखा है। एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप आइटम्स एंड प्रॉफिट देयर ऑन, क्या लिखा है? कंसीडर ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच अकर्ड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। इस पॉइंट को मैं बाद में समझा रहा हूं, पहले आप आ जाइए यहां पर। इंट्रा ग्रुप असेट्स लाइबिलिटी शैल बी ऑफसेट इन सीएफएस। ऑब्वियसली तुम्हारी बुक्स में डेटर दिख रहा है, मेरी बुक्स में क्रेडिटर दिख रहा है, एक दूसरे से लेना देना है, कट ऑफ हो जाएगा। डेटर्स क्रेडिटर्स सेल परचेस, इवन सर बैलेंस शीट में नहीं, इवन पीएनएल में, जब हम कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हैं आइटम बाय आइटम, मैंने तुम्हें सेल किया, तुमने मुझसे परचेज किया, तो जो सेल मेरी बुक्स का दिख रहा है और तुम्हारी बुक्स का परचेज दिख रहा है, तो कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते वक्त मेरे सेल से और तुम्हारी परचेज से कट करके लिखेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, क्लियर। अब आते हैं अनसोल्ड स्टॉक। ये अनसोल्ड स्टॉक का क्या चक्कर है? मैंने तुम्हें स्टॉक बेचा या तुमने मुझे स्टॉक बेचा, और वो स्टॉक हमारे पास आज भी अभी अनसोल्ड पड़ा हुआ है। अब जो ये अनसोल्ड स्टॉक वाली बात चल रही है, मैंने तुम्हें स्टॉक बेचा, तुमने मुझे स्टॉक बेचा, उसके लिए इस पॉइंट को पढ़िए। मैंने तुम्हें स्टॉक कब बेचा? डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद? अगर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले बेचा तो पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन को इग्नोर करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, मतलब कंट्रोल हासिल करने के बाद मैंने तुम्हें स्टॉक बेचा है, कंसिडर ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच अकर्ड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ही हम मानेंगे। अब अनसोल्ड स्टॉक को क्या, किस तरीके से ट्रीट करोगे? दो टाइप की चीज हो सकती है, एक अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ होगा या फिर एक डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर, सब्सिडी नीचे, होल्डिंग ऊपर। अपस्ट्रीम सब्सिडी होल्डिंग के पास जा रही है, मतलब सब्सिडी ने होल्डिंग को स्टॉक बेचा। डाउनस्ट्रीम, आज भी सब्सिडी नीचे है, होल्डिंग ऊपर है, डाउन। अब होल्डिंग सब्सिडी को बेच रही है, तो सब्सिडी टू होल्डिंग, होल्डिंग टू सब्सिडी। अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है
तो सब्सिडी टू होल्डिंग मतलब अनसोल्ड स्टॉक किसके पास पड़ा होगा? होल्डिंग के पास। स्टॉक किसके पास पड़ा होगा? होल्डिंग के पास। पी एंड एल ऑफ एक्वायरी टू स्टॉक, स्टॉक में से प्रॉफिट हटाने के लिए क्या सीधा सीधा करोगे? सीधा सीधा आप प्रॉफिट हटाओगे, ठीक है ना, आप सीधा सीधा प्रॉफिट हटाओगे। एक सेकेंड रुको, सब्सिडरी टू होल्डिंग, हाँ ठीक है, सब्सिडरी टू होल्डिंग, स्टॉक किसके पास पड़ा होगा? होल्डिंग कंपनी के पास। प्रॉफिट किसने कमाया होगा? सब्सिडरी कंपनी ने। तो प्रॉफिट अगर सब्सिडरी कंपनी ने कमाया होगा तो कौन से किसके पीएनएल से हटाएंगे? सब्सिडरी के पीएनएल से हटाएंगे। इसीलिए पीएनएल ऑफ अक्वायरी पोस्ट एक्विजिशन का पीएनएल मतलब वो चेंजेस कॉलम, चेंज कॉलम फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन मतलब होल्डिंग ने बेचा सब्सिडरी को, तो अनसोल्ड स्टॉक किसके पास रखा होगा? सब्सिडरी के पास। प्रॉफिट किसने अर्न किया होगा? होल्डिंग ने। अगर प्रॉफिट ने होल्ड अर्न किया होगा, प्रॉफिट अगर होल्डिंग ने अर्न किया होगा तो होल्डिंग का प्रॉफिट हटाएंगे। तो अब ध्यान से इन दोनों एंट्रीज को देखिए, टू स्टॉक तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक जगह हम सब्सिडरी के प्रॉफिट से हटा रहे हैं और एक जगह हम होल्डिंग के प्रॉफिट से हटा रहे हैं। सब्सिडरी के प्रॉफिट से हटाने के लिए ऑब्वियसली हम तो सीएफएस बना रहे हैं, उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट्स में जो चेंज कॉलम है वहीं सब्सिडरी का प्रॉफिट रखा हुआ है, वहां से हटा रहे हैं। गोल्डन रूल क्या है? कंपनी हु अर्न द प्रॉफिट शेल एलिमिनेट इट फ्रॉम इट्स पीएनएल। सीधी बात है, जिसने प्रॉफिट अर्न किया उसके पीएनएल से हटेगा। यहां पर होल्डिंग ने अर्न किया तो होल्डिंग से पीएनएल, होल्डिंग के पीएनएल से हटा। यहां पर सब्सिडी ने अर्न किया तो सब्सिडी के पीएनएल से हटाने के लिए अपन ने चेंज कॉलम से हटाया। सीधी बात है, आपने स्टॉक से हटाया और एक प्रॉफिट से हटाया, सिंपली इस तरीके से आपका एलिमिनेशन है। सो गाइस, दिस वॉज एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप आइटम्स एंड प्रॉफिट्स। दे रहा हूं आगे का जो पोर्शन है वो मैं अगले सेशन में करवाऊंगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि बड़ा जाता है तो मैं इसलिए पार्ट्स पार्ट्स में सेशन इसलिए छोटे छोटे सेशन रख रहा हूं ताकि आपके भी दिमाग में घुसे। मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सेशन दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे के भी ले सकता हूं, बट उससे फिर क्या होगा कि ग्रेजुअली वो आगे के जितने आइटम्स है वो ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी हम सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप करने से पहले लाइव चैट को एनेबल कर रहा हूं, आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं आप डाउट्स पूछ सकते हो। आप डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। सॉरी बच्चों, माफी चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए स्क्रीन चेंज कर लिया था। बोलिए, आपका डाउट्स देख लेते हैं। ओके, डीओए गिवन टू डे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं स्वाति आपका क्वेश्चन। स्वाति,
आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, सुमन चौधरी से। सर, इफ बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू चेंज हो जाए, देन कौन सा फेयर वैल्यू लेना है? फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग सच इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू और रिवाइज। सीधी बात है, आपको डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू लेना है। उससे पहले जो भी आपने फेयर वैल्यू चेंजेस किए हैं वो तो आपने अपने SFS में ऑलरेडी किए हैं, हम तो CFS की बात कर रहे हैं। स्टेप एक्विजिशन में प्रीवियस इन्वेस्टमेंट FVT OCI पे मेजर हो रहा हो तो रीमेजरमेंट गेन और लॉस OCI में जाएगा। सी बेटा, आपने वो FVT OCI वो जो भी लगाया होगा वो आपने SFS में लगाया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंड एस 27 आपने SFS में लगाया होगा, FVT OCI आपने SFS में किया होगा, हम यहाँ पर CFS की बात कर रहे हैं। तो जो भी आपका फेयर वैल्यूएशन गेन और लॉस आ रहा है वो P&L में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CFS की बात चल रही है। डेट ऑफ एक्विजिशन पर अदर इक्विटी गिवन तो डिविडेंड के लिए ऐड करेंगे और सोकी से डिडक्ट करेंगे। मैं अभी भी आपका स्वाति आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट चेंज कॉलम में कुछ होगा ही नहीं, नहीं होगा। डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट चेंज कॉलम में नहीं होगा। देवांश, will there be DT retail on revaluation of investment at a fair value in step acquisition given that profit and loss arise and no DT retail impact on the step acquisition, no DT retail impact. Sir, please explain set off adjustment of DDT paid by subsidiary and holding. बेसिकली DDT अब हमारे सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है मतलब अब DDT का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है इनकम टैक्स से ही। आपको पता होगा पिछले फाइनेंस एक्ट में DDT का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अब DDT के ऊपर कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी हमारे FR में, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सम टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा बट चेंज कॉलम में ऐड करेंगे ना डिविडेंड को। यस एग्जैक्टली, टाइम एडजस्टमेंट होना उससे कोई मतलब नहीं है, आप डिविडेंड को ऐड करोगे। एग्जैक्टली स्वाति, अब मुझे समझ में आया क्या पूछ रहे हो। ठीक है, आपको और कोई डाउट्स हैं? ऊपर आपने कुछ डाउट पूछा। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टाइम एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड वंस अगेन? टाइम एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड होगा ही नहीं, जस्ट यू नीड टू ऐड बैक द डिविडेंड इन द चेंज कॉलम, दैट्स इट, एंड मेक द टाइम एडजस्टमेंट प्रॉपरली। उसके बाद आपको कुछ डिविडेंड का चेंज कॉलम में कुछ भी नहीं करना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में कुछ भी नहीं करना है, जस्ट NCI का शेयर NCI के वर्किंग में माइनस करना है, पेरेंट का शेयर SOCI में माइनस करना है। सब जब डिविडेंड ऐड करेंगे चेंज कॉलम में तो उसका DDT का क्या करेंगे? परेश, DDT का कुछ भी नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अब DDT है ही नहीं। बट इफ सपोज DDT आपसे पूछा जा रहा है तो आप DDT की जो बात चल रही है, जो DDT की बात चल रही है उसको आप इग्नोर करोगे, DDT का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इग्नोर कैसे करेंगे? जब आप डिविडेंड को ऐड बैक करोगे तो DDT को भी ऐड बैक कर दोगे, पर जब आप NCI से उसका शेयर माइनस करोगे और पेरेंट में माइनस करोगे तो DDT का शेयर माइनस नहीं करोगे। मतलब मैं DDT को अलग से डिस्क्राइब कर लेता हूं। पहली बात तो DDT का इंपैक्ट वो आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी DDT को भी आप पहले ऐड बैक करोगे, टाइम एडजस्टमेंट करोगे, फिर DDT को वापस से लेस करोगे उसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट असेट्स में चेंज कॉलम में। NCI और पेरेंट में तो सिर्फ डिविडेंड का ही इंपैक्ट जाएगा। डिविडेंड किसी भी ईयर से रिलेटेड हो बट ऐड करेंगे, रट रहे हो रवि, रट रहे हो, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, कैसे भी हो, क्या भी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको शॉर्टकट ले सकते हो इस तरीके से याद करने में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड अगर मैंने करंट ईयर में दिया है तो वो पिछले साल का होता है, क्योंकि आपने IPCC में पढ़ा हुआ है लॉ में, डिविडेंड हमेशा AGM पे डिक्लेयर होता है और AGM हमेशा ईयर एंड के बाद होती है। तो डिविडेंड आपने अगर करंट ईयर में पे किया तो डेफिनेटली वो पिछले साल का होगा, या फिर डिविडेंड अगर करंट ईयर में दिया है तो करंट ईयर का भी हो सकता है अगर वो इंटरिम डिविडेंड हो। ठीक है, तो आप किसी भी ईयर का ना बोल के आप ये बोलो कि यार चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड पिछले साल का हो, बेसिकली आपको टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए एडबैक तो करना ही पड़ेगा। और टाइम एडजस्टमेंट नहीं भी करना पड़ा तो भी आपको एडबैक करना पड़ेगा।
करंट असेट के डीटीए डीटीएल का इफेक्ट सिर्फ डीओए कॉलम में जाएगा? नहीं, डीओए कॉलम में भी जाएगा, फिर आगे चल के अगर वो करंट असेट रियलाइज हो गई, खत्म हो गई, तो उसका इफेक्ट फिर रिवर्स करेंगे टाइम चेंज कॉलम में। यस, ये लेक्चर 10:30 तक पब्लिक रहेगा, डोंट वरी, मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं बेटा, पब्लिक डेफिनेटली रहेगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि मैं इसको प्राइवेट कर दूं पहले, सो डोंट वरी, ये पब्लिक रहेगा 10:30 बजे तक आज रात को। ठीक है, बोलिए और कुछ परेश, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं भाई। भाई सर बहुत सही से समझ आता क्लास, रवि थैंक यू सो मच, लव यू। और कोई डाउट्स बच्चों? मक्खन मत लगाओ, आई नो मक्खन नहीं लगा रहे हो, आपको तारीफ करनी है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मुंह पे तारीफ मत करो, बच्चों को तारीफ करो। मेरा फीडबैक बच्चों को दो ताकि वो मेरी क्लासेस परचेज करें। बोनस शेयर्स के इफेक्ट का क्या रहेगा कंसोलिडेशन में? एज सच कुछ भी इंपैक्ट नहीं रहेगा। अगर सब्सिडियरी कंपनी ने करंट ईयर में कुछ बोनस इशू किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बोनस इशू किया भी है तो सीधी बात है, उसका इंपैक्ट अपने आप आपका नेट असेट में एडजस्ट हो जाएगा बिना कुछ किए हुए, तो बोनस इंपैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अगर आएगा भी तो चेंज कॉलम में आप एडबैक करके वहां से लेसबैक करोगे। बेसिकली बोनस का इंपैक्ट इग्नोर अपने आप हो जाता है, आपका उसका नलीफा इफेक्ट हो जाता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, जो मैंने इंडेस के एक दो चार्ट न्यू इंडेस डाले हैं तो उसके भी मैं रिवीजन वीडियोस डालूंगा। क्या लिखा है भाई नितिन भल्ला? चावला साहब जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त। क्यों बोल रहे हो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नितिन। आपकी क्लास पे सट्टा लगा दिया है, अपलोड कर देना लास्ट में। सट्टा क्या लगाया ये तो बताओ रवि, क्या सट्टा लगाया है? ओके चलो, एनीवेज लेट्स एंड द सेशन, सेशन को ओवर करते हैं। इन सब्सिडरी बुक्स एज पर इंडियस 109 देयर इज अ क्लासिफिकेशन एज इक्विटी कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर फिक्स्ड नंबर, आर दीस पार्ट ऑफ एनसीआई? यस, दीस कैन बी द पार्ट ऑफ एनसीआई। यस, आदित्य लखोटिया बहुत याद कर रहा सर आपको। आदित्य लखोटिया, हु इज आदित्य लखोटिया? मुझे से याद नहीं है बेटा कौन है। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस, मुझे भी निकलना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।